सवाल नंबर 17, क्या मैयत की तरफ से कुर्बानी कर सकते हैं? किसी के वालिदैन अगर फौत हो चुके हैं, दादा नाना, परदादा परनाना, दादा दादी जो भी हैं, उनकी तरफ से कुर्बानी कर सकते हैं क्या? तो बाज़ वक़्त लोग ऐसा करते हैं, इस साल मैं और मेरी बीवी की तरफ से एक जानवर एक जानवर, अगले साल फिर दादा की तरफ से, उसके अगले साल नाना की तरफ से, जो इस तरह से करते हैं, इसकी कोई असल इस्लाम में नहीं है। ऐसा करना सही नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी पूरी ज़िंदगी में अपने चचा हमज़ा रदी अल्लाह तआला अन्हु या अपनी बीवी खदीजा रदी अल्लाह तआला अन्हा या किसी भी ऐसे शख्स की तरफ से, मुसलमान की तरफ से जिनकी वफ़ात हो चुकी थी, मुस्तकिलन एक जानवर कुर्बान नहीं किया। इसीलिए उलमा ने कहा कि ये सलफ़ से साबित नहीं है, ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ना सहाबा से। फिर मैयत की तरफ से तबान कुर्बानी कर सकते हैं या नहीं, ये इसमें इख्तलाफ है कि अगर कोई आदमी, यानी अगर ये करबाज़ उलमा ने कहा कि कोई आदमी अगर ख़ुद अपनी तरफ से कुर्बानी कर रहा है और अपने घर वालों की तरफ से, और इसमें उनको भी शामिल कर ले जिनकी मौत हो चुकी है, तब तो ये जायज़ है। बाज़ उलमा का कहना ही है, सबका नहीं तो चलता है, इस तरह से बाज़ उलमा ने कहा है, लेकिन ऐसा किसी ने नहीं कहा कि मुस्तकिलन मैयत की तरफ से करना, मेरे इल्म में नहीं है ऐसा। ये और ये यानी दलील के अतबार से भी सलफ़ से नहीं मिलता है, बाद में किसी ने कहा हो सकता है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा से चीज़ हमको नहीं मिलती है। बाद लोग इसकी दलील देते हैं, क्या दलील देते हैं? जाबिर रदी अल्लाह तआला कहते हैं, जाबिर बिन अब्दुल्लाह, शहीद तुमा रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल अदहा बिल मुसल्ला, मैंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा मुसल्ला में, मुसल्ला ईदगाह को कहते हैं, अदहा यौमुल अदहा को कहते हैं, ईद का दिन, कुर्बानी का दिन। तो मैंने आपको कुर्बानी के दिन मुसल्ला में ईदगाह में देखा, फलम्मा कदा खुतबतहु नज़ल मिन मिंबरिही व उतिया बिकबशिन, आप मिंबर से उतरे, आपके पास एक बकरा लाया गया, फ़ज़बहहु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बियदिही, आपने अपने हाथों से उसको ज़बह किया, वक़ाल और कहा, बिस्मिल्लाह वल्लाहु अकबर, बिस्मिल्लाह वल्लाहु अकबर, हाज़ा अन्नी व अम्मन लम युदही मिन उम्मती, ये मेरी तरफ से है और मेरी उम्मत में से हर उस शख्स की तरफ से है जिसने कुर्बानी नहीं की, ये मेरी तरफ से और मेरी उम्मत में हर वो शख्स जिसने कुर्बानी नहीं की उसकी तरफ से है। इसको इमाम अबू दाऊद और तिरमिदी ने रिवायत किया है और यह हदीस सही है। इससे बाज़ लोगों ने दलील ली कि कोई आदमी, देखिए उम्मत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब आपने कुर्बानी मदीना में की, क्या मक्का में कुछ लोग फौत नहीं हो चुके थे? सुमैया रदी अल्लाह तआला अन्हा या उसके अलावा यानी कई और सहाबा हैं जो फौत हो चुके थे, खदीजा रदी अल्लाह तआला अन्हा। तो उन्होंने कहा कि जब आपने पूरी उम्मत की तरफ से कुर्बानी की तो उम्मत में वो लोग भी आते हैं जो उस वक्त थे जिंदा, और वो लोग भी आते हैं जिनकी वफ़ात हो चुकी थी, तो ये आम है। तो कहा कि उम्मत में सब आ जाते हैं, जिंदा और मैयत सब, लिहाजा इससे साबित हुआ, लोग कहते हैं कि मैयत की तरफ से कुर्बानी की जा सकती है। क्या ये दलील सही है? ये दलील सही नहीं है। अगरचे रिवायत सही है, लेकिन इससे दलील ये लेना कि मैयत की तरफ से कुर्बानी की जा सकती है, सही नहीं है। क्यों नहीं है? सवाल यह है कि आप ये कह सकते हैं कि भाई आप अगर इससे दलील ले रहे हो, एक काम करता हूँ मैं भी और आप भी, ऐसा करो, ए अल्लाह ये मेरी तरफ से है और पूरी उम्मत में से हर उस शख्स की तरफ से जिसने कुर्बानी नहीं की, आप कर सकते ऐसा? सारी उम्मत की तरफ से आप कुर्बानी कर सकते? क्यों नहीं कर सकते? इसलिए कि आपकी उम्मत कहाँ है? आप कोई नबी हो? यानी आप कैसे अपनी उम्मत की तरफ से कर, किसकी उम्मत की तरफ से आप करोगे? ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खसूसियत है जो आपने पूरी उम्मत की तरफ से की। इसीलिए आप देखें, कोई आदमी नहीं बोलता है मेरे नाना दादा परदादा लकड़ दादा पकड़ दादा जितने भी हैं ऊपर तक, सारे मुसलमानों की तरफ से मैं कुर्बानी करता हूँ, कोई करता है ऐसा? और कोई आदमी कहे कि जो पैदा होने वाले उनकी तरफ से भी एडवांस में, कि जब नबी की उम्मत में आने वाले भी तो है ना, क्या जो गए वो सिर्फ वही है? तो इससे मैयत के लिए दलील लेना सही नहीं होगा। क्यों? इससे पूरी उम्मत के लिए दलील मिल रही है, चाहे वो उस वक्त मौजूद हो
चाहे आगे आने वाला हो चाहे माजी में रह चुका हो, तो आप उसको माजी वालों के साथ ख़ास करें कैसे सही हो सकता है? तो इससे वो साबित करना सही नहीं है। इसमें बेहतर चीज़ यही है कि इसको ये माना जाए कि ये ख़ास है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, क्योंकि आप ही की उम्मत थी, हमारी कोई उम्मत नहीं है।